नेपानगर नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटिल और सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान के बीच जमकर विवाद हो गया। दरअसल अध्यक्ष और सीएमओ ने एक दूसरे पर मनमानी करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ता देख सीएमओ गुस्से में केबिन से बाहर निकले। वहीं नगर पालिका सीएमओ सहित अन्य कर्मचारी नेपानगर थाने पहुंचे और नेपानगर सीएमओ ने कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचकर अध्यक्ष पति विनोद पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। नेपानगर से प्रणय गवली की रिपोर्ट। बताएं सीएमओ साहब से आपका किस विषय को लेकर अभी विवाद हुआ है? हमने आज यहाँ हम जब दो चार दिन से आठ दिन से यहाँ सीएमओ साहब से काम के लिए चर्चा कर रहे, उस पर सीएमओ साहब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और हर काम में अनियमितता पाई जा रही थी। उसके चलते हमने आज जब सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की तो वो उठ के चले। क्या करा जाएगा आपके द्वारा अभी इस विषय को लेकर? अभी हम सब लोग 12 पार्षद सारे जमा होके बैठकर सारा डिसीजन लेंगे, उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के संज्ञान में रहेगा। ठीक, अभी आप कहाँ क्या कार्रवाई करना है? कुछ नहीं, मैं जैसे ही अपने ऑफिस में चैम्बर में पहुँचा तो इनके द्वारा ऐसी अध्यक्ष मैडम आई, उनके हस्बैंड आए, बहुत चिल्लाते थे। आप लोग भी उस समय उपस्थित थे तो किस तरह से व्यवहार कर रहे थे, वो मेरे नज़दीक आके कुर्सी आके बदतमीजी करने लगे और बहुत अभद्र भाषा में बातें करने लगे। और जो भी है तो उनका लगातार ये न्यूसेंस लगातार क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनकी जितने भी गलत फाइलें हैं, जितने भी उनके गलत काम थे, मैंने उनको रोक दिया है, तो उनको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। कैसे करके मैं इसके साथ कुछ ऐसा सीएमओ के साथ कुछ ऐसा करूं ताकि ये विवाद क्रिएट हो, इसके साथ कुछ ऐसा हो। तो मैंने इनकी सारी फाइलें जो गलत काम थी वो रोक दिए। इनको जितना इनका डीजल था मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया। आप इसका प्रूफ ले सकते हैं कि इनके समय डीजल कितना भुगतान था। मेरे पास 1,60,000 तक मैं ले आया हूँ, जबकि इनका दहाई जाए 3-4-5 लाख रुपए इनका भुगतान, वो रोका। इनकी जेसीबी चली है जिसकी ऑलरेडी जाँच है, उसके बाद भी फाइल पुटअप कर रहे हैं, जिस फाइल में पूर्ण रूप से साफ साफ स्पष्ट होता है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। क्योंकि शासन का एक प्रोसेस है कि टेंडर होता है, टेंडर में इनके ही एक ही कंस्ट्रक्शन को ही सारे टेंडर जाते हैं और केवल सिंगल टेंडर डलता है। शासन का स्पष्ट नियम है किसी चीज़ में सिंगल टेंडर आता है उसमें दोबारा उसको विज्ञप्ति होती है, दोबारा उसको टेंडर निकलता है, लेकिन इनका एक ही टेंडर उसी को पास कर दिया है। मैंने कलेक्टर दर से रेटें मंगवाई थी, इनकी गाड़ी का भुगतान के संबंध में एक विवाद है जिसमें इनका 36,000-35,000 के आसपास इनका भुगतान है, जबकि इसी नगर पालिका में पिछले का जो अध्यक्ष थे उनको 24,900 रुपये का भुगतान हुआ है। उसी गाड़ी का इनका 32,000-35,000 रुपये भुगतान कराना चाहते हैं, वो कहते हैं आप भुगतान करिए। वो दबाव बनाते हैं हर चीज़ का, गलत फाइलों का हमेशा दबाव। अभी तक मैं स्पष्ट मना करता आ रहा था, और जैसी मेरी शैली, आप मेरे कर्मचारियों से पूछ सकते हैं मेरी कार्य करने की शैली क्या है, और इनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। ये अधिकार करता है, आप शिकायत करिए, जहाँ आपको जाना है वहाँ शिकायत करिए, वहाँ से जांच समिति होगी, बिल्कुल जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके अलग कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपके ऑलरेडी आपने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि आपके 60-65 फाइलों की सूची लोकायुक्त में है, पीओडा के यहाँ जाँच हो चुकी है कम्प्लीट, ये दोषी भी हो गए हैं सभी लोग, जिसमें ना कोई स्वीकृति है ना कुछ है, बस वो जैसे भी चलाते हैं। वही फाइल 3.5 लाख रुपये की मेरे पास ले आए हैं कि इसका पेमेंट करिए। इनका कोई भी कर्मचारी किसी को भी कैसे भी लगा लेना, हटा लेना, ये यहाँ इनकी वित्तीय अनियमितता और इनका इतना बर्बर रूप है कि आज वो मेरे सहन से ज़्यादा ऊपर हो गए। आप भी शायद उस समय आप लोग उपस्थित थे, आपको भी सबको संज्ञान है। तो अध्यक्ष मैडम कुछ मुझसे बात करती हैं, बेशक मैंने उनका सम्मान है, हमेशा सा सम्मान है, लेकिन वो कभी नहीं बोलती, उनके अध्यक्ष हमेशा बोलते हैं। वो जब मुझे चैम्बर में बुलाई, आप मेरे कर्मचारियों से पूछ सकते हैं, मैसेंजर से पूछ सकते हैं, पीहून से पूछ सकते हैं, मैं जाता हूँ बिल्कुल समय जाता हूँ, लेकिन उनके चैम्बर में गेट बंद करके पार्षद पति, प्रॉपर पार्षद नहीं, पार्षद पति और इनके चिल्ला के भाई फाइलें लेके कि आप साइन करिए, दबाव बनाते हैं, बहुत बदतमीज़ से बात करते हैं, मुझे वहाँ से मजबूरन फिर उठना पड़ता है, रोकते हैं बार बार कि नहीं आप साइन करिए, मैं नहीं करता हूँ। उठ के आज ये हुआ कि इनने बुलाया, मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपके चैम्बर में नहीं आऊँगा। ये इनके लगातार, इनका ये व्यवहार लगातार, मैं अभी तक शांत था कि ठीक है नगर पालिकाओं में चलते हैं, लेकिन इनका लगातार व्यवहार मेरे साथ से ऊपर हो गया, इसलिए आज मैं थाने में एफआईआर दर्ज कराने आया।